नमस्कार, जनता पोल पर आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं चुनावी विशेष में मुद्दा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 का। और आज हम बात करेंगे सियासत का गृह क्षेत्र बन चुके नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके सामने भाजपा की ओर से ताल ठोकने वाले उन्हीं के खास मंत्री रहे सुवेंदु अधिकारी। क्या नंदीग्राम से और सिर्फ इसी सीट से मैदान में उतरना ममता बनर्जी का कोई बड़ा राजनीतिक दाव है, या फिर भाजपा का सुवेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने उतारना कोई बड़ी रणनीति का हिस्सा? आखिर कैसा है इस विधानसभा क्षेत्र का जातिगत गणित और ममता उर्फ दीदी बनाम सुवेंदु उर्फ दादा के इस सियासी मुकाबले में कौन किस पर कितना भारी? नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र के सियासी दंगल पर जनता पोल का सबसे बड़ा राजनीतिक विश्लेषण। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 और कभी लेफ्ट और तृणमूल कांग्रेस के गढ़ रहे बंगाल में पहली बार तृणमूल कांग्रेस बनाम भाजपा में होने वाले मुख्य सियासी मुकाबले पर सारे देश की निगाह टिकी हुई है। पहली बार अधिकारी परिवार के गढ़ नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनके खास रहे सुवेंदु अधिकारी के सामने मैदान में उतर गई हैं। इस सीट के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो परंपरागत तौर पर तृणमूल कांग्रेस और अधिकारी परिवार का यहाँ सिक्का चलता रहा है। 2009 तक ये इलाका कम्युनिस्ट पार्टी का मजबूत किला हुआ करता था, मगर 2009 में हुए उपचुनाव में यहाँ पहली बार तृणमूल कांग्रेस की फिरोजा बीबी ने लगभग 40,000 मतों से कम्युनिस्ट पार्टी के परमानंद भारती को हरा कर यहाँ जीत का परचम लहराया। इसके बाद फिरोजा बीबी 2011 के विधानसभा चुनाव में यहाँ से लगभग 44,000 मतों से जीती और ये तृणमूल कांग्रेस का गढ़ बनता गया। 2016 के विधानसभा चुनाव में यहाँ से तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जब सुवेंदु अधिकारी मैदान में उतरे तो इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के अब्दुल कबीर शेख को लगभग 81,000 मतों के विशाल का अंतर से हरा दिया। 2011 में 33 वर्षों के लेफ्ट के शासन को सत्ता से उखाड़ कर पहली बार ममता बनर्जी राज्य की मुख्यमंत्री बनी। 21 आते आते सुवेंदु अधिकारी की नाराजगी खुलकर सामने आने लगी। पार्टी ने उन्हें लाख मनाने की कोशिश की, मगर इसके बावजूद वे तृणमूल कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा में शामिल हो गए और इस पूरे सियासी मुकाबले में इससे एक नया मोड़ आ गया। हालांकि सुवेंदु के भाई व सांसद दिव्येंदु अधिकारी व सांसद पिता शिशिर अधिकारी अब भी तृणमूल कांग्रेस में ही है। दीदी बनाम दादा के बीच का यह सियासी मुकाबला कितना रोचक है ये इसी बात से पता लगाया जा सकता है कि सुवेंदु के भाई सांसद दिव्येंदु ये तो कहते दिख रहे हैं कि नंदीग्राम का बच्चा बच्चा सुवेंदु को जानता है और ममता बनर्जी ने यहाँ से मैदान में उतरने का जो फैसला लिया वो भावनात्मक और गलत है। मगर बावजूद इसके दिव्येंदु से जब ये पूछा गया कि कौन जीतेगा तो उन्होंने ये कहा कि कांटे की टक्कर रहेगी और कौन जीतेगा इस पर वे कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वे तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं और पार्टी के साथ हैं, मगर भविष्य की संभावनाओं से उन्होंने कोई भी इनकार नहीं किया। खैर, इस क्षेत्र के जातिगत समीकरण की बात करें तो नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में दो ब्लॉक है, नंदीग्राम एक और नंदीग्राम दो। ब्लॉक संख्या एक में 35% मुस्लिम वोट है जबकि ब्लॉक संख्या दो में 15% अल्पसंख्यक। कुल मिलाकर ये वोटर करीब 62,000 की संख्या में है और नंदीग्राम की कुल जनसंख्या करीब 2,00,000 है और इन वोटों से ममता बनर्जी को काफी उम्मीदें हैं। सुवेंदु अधिकारी एक बार ये कह भी चुके हैं कि ममता मात्र 62,000 मतों के सहारे नंदीग्राम में चुनाव लड़ना चाहती हैं। हालांकि यहां से कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन की ओर से अब्बास सिद्दीकी की पार्टी आईएसएफ किसे उम्मीदवार बनाती है, साथ ही असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम भी यहां से किसे प्रत्याशी बनाती है, ये इस पूरे सियासी खेल में काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। हालांकि ये लड़ाई ममता बनर्जी के लिए कतई आसान नहीं होने वाली, मगर राजनीतिक पंडित यहाँ से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मैदान में उतरने को उनके बेहद बड़े राजनीतिक दांव के रूप में देख रहे हैं। बनर्जी का सुवेंदु अधिकारी के ही गढ़ में उन्हीं के सामने मैदान में उतरना तृणमूल कांग्रेस या फिर यूं कहें कि ममता बनर्जी और प्रशांत किशोर की एक बेहद बड़ी रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। ममता बनर्जी के इस दांव के पीछे राजनीति के जानकारों का मानना है कि चूंकि इस इलाके में अधिकारी परिवार का प्रभुत्व है और अब सुवेंदु अधिकारी भाजपा में है तो यहाँ से ममता बनर्जी के उतरने से इस इलाके के तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक नया जोश आ सकता है। साथ ही जानकार ये भी मानते हैं कि सुवेंदु अधिकारी जिन्हें भाजपा इस इलाके समेत सारे बंगाल में प्रचार के लिए इस्तेमाल करना चाह रही थी उन्हें सिर्फ इसी इलाके में घेर कर रखने की चाल में ममता बनर्जी सफल हो गयी। बड़ी बात ये रही कि टीएमसी ने भाजपा से पहले टिकटों का ऐलान कर दिया और वो भी ममता बनर्जी के सिर्फ नंदीग्राम से उतरने का ऐलान भाजपा के टिकट वितरण से पहले किया गया। अब अगर भाजपा यहाँ से सुवेंदु अधिकारी को मैदान में नहीं उतारती तो संदेश गलत जाता, और अब जब उन्हें भाजपा ने यहाँ से मैदान में उतारा भी है तो भाजपा को खतरा ये है कि कहीं सुवेंदु इस सीट तक ही घिर कर ना रह जाए। तृणमूल कांग्रेस के रणनीतिकारों का मानना है कि ममता के यहाँ से उतरने से इस इलाके के आसपास की कई सीटों पर इसका असर निश्चित रूप से होगा।
दिलीप घोष लगातार पिछले 5 वर्षों से पार्टी का राज्य स्तरीय लोकप्रिय चेहरा बनते जा रहे हैं, मगर सुवेंदु अधिकारी के भाजपा में शामिल होने के बाद से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में तब तक अकेले ताल ठोक रहे दिलीप घोष के साथ ही उस कतार में सुवेंदु अधिकारी भी खड़े हो गए। अब अगर सुवेंदु बनाम ममता बनर्जी के इस मुकाबले में सुवेंदु अगर नंदीग्राम में ही घिर कर रह गए तो इसका फायदा तृणमूल कांग्रेस को हो ना हो वो तो दूसरा विषय है, मगर भाजपा में इसका फायदा दिलीप घोष को जरूर होगा, क्योंकि फिर दिलीप घोष एकमात्र ऐसा चेहरा रहेंगे जो राज्य स्तर पर सारे बंगाल में भाजपा का प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि ममता बनर्जी बनाम सुवेंदु अधिकारी के बीच नंदीग्राम में होने वाले इस सियासी मुकाबले में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, जो सुवेंदु के भाई सांसद दिव्येंदु अधिकारी भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी के बारे में कहा जाता है कि 3 बिंदु ममता, महिला और मुस्लिम इस क्षेत्र में उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है, मगर पर्दे के पीछे एक बिंदु और है जिस पर कम ही लोगों की निगाह जा रही है और वो है दलित। पश्चिम बंगाल में दलित वोटर तृणमूल कांग्रेस का परंपरागत वोटर रहा है, जो ममता बनर्जी के राजनीतिक समीकरण में एक बेहद बड़ा केंद्र बिंदु है, और शायद यही सब देखते हुए ममता बनर्जी नंदीग्राम से अपने खास रहे व इस इलाके में प्रभुत्व रखने वाले भाजपा के सुवेंदु अधिकारी के सामने मैदान में उतर गई हैं। बंगाल की राजनीति को करीब से देखने वाले ये कहते हैं कि अगर ममता को हार का ही डर होता तो भवानीपुर छोड़कर वो किसी अन्य सुरक्षित सीट से मैदान में उतर सकती थी, मगर अधिकारी परिवार के गढ़ नंदीग्राम से ममता का उतरना ये दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में लाख टूट हो जाने के बावजूद ममता बनर्जी भाजपा से हार मानने के मूड में कतई नहीं है, और नंदीग्राम से उतरकर उन्होंने अपने उन विरोधियों को कड़ा संदेश दिया है जो ये मानकर चल रहे थे कि ममता बनर्जी किसी बेहद सुरक्षित सीट से मैदान में उतरेंगी। जो भी हो, ये तय है कि बंगाल में इस बार ये लड़ाई वाकई आर्या पार की है। इतना जरूर तय है कि इस बार पश्चिम बंगाल के ये विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प रहने वाले हैं, जिसमें भाजपा और तृणमूल कांग्रेस में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है।